नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। बहुजन समाज पार्टी को भी इस बार के विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में अभी तक कोई खास जोश नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर में जहां दिन भर टिकट मांगने वाले और समर्थकों की रेलम पेल है, हालांकि जल्दी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कार्यकर्ताओं में जोश फूकने राजस्थान आएंगे। दरअसल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी सियासी दल होने का दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनाव को लेकर काफी आशावादी नजर आ रही है। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में जनता बीजेपी और कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले छलावे से परेशान है और इस बार जनता बहुजन समाज पार्टी को बड़े विकल्प के तौर पर देख रही है। हालांकि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का ठंडा उत्साह देखते हुए यह बात हजम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पार्टी कार्यालय में कोई हलचल न होना बताती है कि पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का जोश इस बार कुछ ठंडा है। यह ठंडा जोश सवाल भी उठा रहा है कि प्रदेश में बसपा का जादू खत्म हो चुका है। हालांकि कार्यकर्ताओं में जोश भरने जल्दी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती राजस्थान आएंगे। 25 और 26 नवंबर के साथ ही 1 और 2 दिसंबर को मायावती राजस्थान में दौरा रहेगा और वह यहां करीबी 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस बार हालात बहुत अलग हैं और इसका असर प्रदेश में भी पार्टी के प्रदर्शन पर नजर आ सकता है। हालांकि पार्टी पदाधिकारियों का दावा है कि प्रदेश में बसपा की भागीदारी के बिना सरकार नहीं बनेगी। पार्टी पहले भी यह स्पष्ट कर चुकी है कि प्रदेश में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अकेले दम पर लड़ेगी। बसपा द्वारा अभी तक 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और इनमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, कैरोली और टोंक जैसे जिलों में पार्टी अपना अच्छा जनाधार देख रही है। साथ ही पिछले चुनाव में पार्टी ने कुछ अन्य सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिन पर इस बार पार्टी का फोकस रहेगा। देखना होगा कि पार्टी अपने प्रदर्शन को इस चुनाव में भी बरकरार रख पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क।